everyone, welcome back to the journey from etiquettes to impression. Today what I'm going to discuss with you is extremely important if you want to speak English fluently, and that is confidence. Okay, agar aap logon ke bolne mein confidence hoga na, believe me, no one is ever going to lay focus towards what you are speaking. Theek hai, जब भी हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं ना किसी के भी साथ, याद रखिए, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ ना, नो वन विल एवर बॉदर अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग. ईच एंड एवरी पर्सन विल जस्ट लुक एट योर फेस एंड एडमायर यू, एंड दैट इज व्हाट आवर होल पर्पस इज. ठीक है, हमारा जो जर्नी है दैट इज फ्रॉम एटिकेट्स टू इम्प्रेशन. हाउ बाय योर एटिकेट्स एंड हाउ बाय योर वोकल स्किल्स यू आर गोइंग टू इम्प्रेस अदर पर्सन. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, नो वन विल गिव अ डैम अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग. ठीक है, दे विल जस्ट लुक एट योर फेस, दे विल जस्ट एडमायर योर कॉन्फिडेंस. हमारा आज का जो लेक्चर है वो इसी पर बेस्ड है, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश. द फर्स्ट थिंग इज एंड द फर्स्ट स्टेप विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट. जस्ट फेक इट. फेक इट आई जस्ट मीन बाय फेकिंग इट आई जस्ट मीन दैट यू जस्ट हैव टू फेक इट टू यूर सेल्फ एज वेल एज टू अदर पीपल कि आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, आप लोगों को अच्छी इंग्लिश आती है. जब तक आप लोग जो है जो फेक्ड किया हुआ कॉन्फिडेंस है उसको रियल कॉन्फिडेंस से रिप्लेस नहीं कर लेते, जस्ट स्टार्ट फेकिंग इट अप दैट यू नो स्पीकिंग गुड इंग्लिश. आपने आपके साथ और लोगों के साथ जस्ट स्टार्ट फेकिंग इट अप कि आपको अच्छी इंग्लिश आती है. अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैम फेक कर लेंगे तो पीपल विल लाफ एट अस. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट मिस्टेक्स डजंट मैटर. ठीक है, मिस्टेक्स जो है दे डोंट मैटर. मिस्टेक तो मैटर ही नहीं करती बिकॉज वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट. तो अगर हम लोग को अच्छा स्पीकर बनना है ना, तो वी हैव टू स्टार्ट फेकिंग इट टिल वी बिकम अ गुड स्पीकर. ठीक है, तो जब तक हम अच्छा स्पीकर नहीं बन जाते तब तक हम लोग को फेक करना है कि हम अच्छा स्पीकर हैं. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप एंड फर्स्ट टिप एंड टेक्निक टू बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट इनफ वाइल स्पीकिंग इंग्लिश. द सेकेंड स्टेप इज, जिसको मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप मैंशन किया ना, ये सब कब होगा, जब आप एक बार फेक करना शुरू कर देंगे कि हमें अच्छी इंग्लिश आती है. आफ्टर दैट स्टार्ट रीडिंग अलाउड. वट डू यू मीन बाय स्टार्ट रीडिंग अलाउड? ठीक है, आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग easy piece of writing ले लीजिए. Every day, any piece of writing, just take any piece of writing, go in front of the mirror, and then unless you are confident enough to speak with other person, आप mirror के आगे जाके खड़े हो सकते हैं. ठीक है, और खड़े होने के बाद you can read the piece of writing in front of mirror. In front of mirror read करने से क्या होगा, you will just start conversation in English. You will just start conversating in English. जब आप एक बार conversating शुरू कर देंगे ना English में, then you will be confident enough. Slowly and slowly you will be confident enough to speak with other person also. So initially you, what you have to do is you have to take a easier piece of writing. I would suggest कि आप लोग simple piece of writing ले लो, 5 to 6 lines, and start reading it in front of the mirror. That will boost up your confidence. ठीक है, वो आपके confidence को boost up कर देगा. Second thing is you have to listen as well as mimic. And whom you have to listen and mimic? Either you can listen and mimic to English news anchors. आप इंग्लिश न्यूज एंकर्स कैसे बोल रहे हो उस चीज को लिसन कीजिए और मिमिक कीजिए. मिमिक करना होता है कॉपी करना. ठीक है, कॉपी कीजिए उनको, आप लोग कॉपी कीजिए. एंड यू कैन लिसन एंड मिमिक मी आल्सो. आफ्टर लिसनिंग टू दिस एंटायर वीडियो आप लोग क्या कीजिए, मिरर के आगे खड़े हो जाइए एंड मिमिक मी. ठीक है, आप मुझे मिमिक कीजिए. बेसिकली जो भी मैं आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ ना, मैंने आपको इनिशियली बताया था कि लिसन टू द इंग्लिश पॉडकास्ट, English podcast, English conversation, listen to them. Okay, you will be very fluent in speaking after you are very much focused in listening. जब आप लोगों को confident comprehend करना आ जाएगा ना, और आप लोग focused होंगे, क्या एक good speaker बन चुके होंगे, then you will be definitely very soon you will become a good and a very good and a fluent speaker also. First you have to learn to be a good listener. So my videos are also serving the purpose of a podcast only. ठीक है, what you will do after you are finished up listening to the video, you can save the video or you can just save the video for watching it later also, and you can listen to the way I am speaking. That will boost up your confidence and also make you a good speaker. Another step is you have to record yourself. I know it will initially look little weird to record yourself and then listen to your own recordings. लेकिन आप लोग को record करना है खुद को, और उसके बाद खुद को सुनना है, बार बार सुनना है, and आप
जब आप उनको बार बार सुनेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं और हमें कैसे अपनी प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस लानी है, हमारी वॉइस की मॉड्यूलेशन या रेंज कैसी होनी चाहिए टू लुक कॉन्फिडेंट। तो सारी गेम किसकी है? कॉन्फिडेंट लुक होने की ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस को पहले आपको फेक करना है, उसके बाद आपको मेक करना है, रियली आप लोगों को कॉन्फिडेंट होना है। सो व्हेन यू वांट टू स्पीक अ वेरी फ्लुएंट इंग्लिश यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। जो कॉन्फिडेंट नहीं होगा चाहे उसको इंग्लिश भी आती होगी, दैट वोंट मेक एनी सेंस एंड दैट वुड मेक एनी डिफरेंस। तो इंप्रेशन तो रहेगा ही नहीं, चाहे इंग्लिश आती भी है ना, पर कॉन्फिडेंस ही सारी जो आपकी गेम है ना उसको चेंज करता है। कॉन्फिडेंस इज अ गेम चेंजर। ओके, सो यू हैव टू रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड देन लिसन टू योर रिकॉर्डिंग। आई वुड सजेस्ट कि जब आप लोग मिरर के सामने अपना पीस ऑफ पेपर रीड कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे आप अपनी रिकॉर्डिंग्स कर लीजिए एंड देन यू ट्राई लिसनिंग दोस रिकॉर्डिंग व्हेनेवर यू आर फ्री इन योर लेजर टाइम एंड दैट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। आफ्टर दैट, जब ये तीन स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए, उसके बाद आपको अपने कॉन्वर्सेशन पार्टनर ढूंढना है, ठीक है? बिकॉज इट्स द राइट टाइम टू हायर अ कॉन्वर्सेशनल पार्टनर। सो व्हाट दैट कॉन्वर्सेशन पार्टनर विल डू, यू कैन टॉक टू योर मदर, योर फादर, योर कलीग्स, योर सिबलिंग्स, उनके साथ आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर सकते हैं। बिकॉज अंटिल अनलेस यू आर स्पीकिंग ना, दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस। जब तक आप बात करना शुरू नहीं करोगे तब तक कोई डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं। तो आपको कॉन्वर्सेशनल पार्टनर ढूंढना है। आवर टेलीग्राम ग्रुप इज ऑल्सो योर कॉन्वर्सेशनल पार्टनर, ठीक है? अगर आप लोग को अभी तक इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप किसी के साथ बोल सके, तो आवर टेलीग्राम ग्रुप इज योर कॉन्वर्सेशन पार्टनर। यू कैन चैट, ठीक है? तो आपका जो बेसिक पर्पज क्या है, जब तक आप लोग कॉन्वर्सेशन बिल्डअप करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आपकी जो कैपेबिलिटी वो इतनी नहीं हो जाएगी कि आप कॉन्वर्सेशन को बिल्डअप कर पाए। सो द गेम इज नॉट जस्ट अबाउट विशिंग समवन एंड नोइंग गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू एंड देन यू आर स्टक अप। ऐसा नहीं होना है, आपको कॉन्वर्सेशन को बिल्डअप करना है। टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्वर्सेशन करने का भी यही मतलब है, हमारा मकसद यही है कि आप लोग कॉन्वर्सेशन बिल्डअप करना सीखें। किसी के साथ आप बात कर रहे हैं और किसी को कैसे पता चलेगा कि आप कॉन्फिडेंट इनफ है? व्हेन यू आर बिल्डिंग अप द कॉन्वर्सेशन, व्हेन यू आर इनिशिएटिंग द कॉन्वर्सेशन। तो जैसे आप लोग किसी से मिलते हैं, आफ्टर विशिंग देम गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग, यू कैन जस्ट स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग देम दैट यू लुक गुड टुडे, सी कैन पिंक सूट्स यू, सो व्हाट हैव यू done with your hairs, it looks so amazing. So that would build up the conversation and that is the first sign of being a confident person. Jab aap conversation ko build up karte hain, when you are being a leader in building up a conversation. So basically English seekhne ka maksad hi yehi hai ki aap log, hum log kya ho jaye, confident ho jaye aur hum conversation ko build up kar sake. Uske baad you have to speak slowly, because jab aap fast bolte hai na, so that gives an impression that you are not that confident. तो आपको क्या करना है, स्लोली स्लोली बोलना है। दैट गिव्स एन इंप्रेशन दैट पर्सन इज वेल नोन, वेल रेड, बिकॉज ही और शी इज गिविंग अ फोकस ऑन, ठीक है? आफ्टर ही और शी इज स्पीकिंग, कि वो इंसान जो बोल रहा है, दैट ही और शी इज स्पीकिंग आफ्टर थिंकिंग ओवर व्हाट ही और शी इज स्पीकिंग, सो दैट विल गिव एन इंप्रेशन। सो यू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग स्लोली एंड स्लोली स्लोली आप लोग का जो मॉड्यूलेशन है, जो रेंज है, वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है पोस्चर। सो देयर इज अ पोस्चर फॉर कॉन्फिडेंट वाइब। सी, इफ यू आर हंच्ड when you are speaking to someone and you are not having an eye contact with the person, देखो कुछ लोग मुझे बोलेंगे मैम आप बहुत इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं एंड दैट इज नॉट रियली अंडरस्टैंडेबल। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी वीडियो भी आप लोग के लिए एक पॉडकास्ट ही सेव कर दी है, बिकॉज पॉडकास्ट का पर्पज ही सर्व कर दिया है, बिकॉज आप लोग मेरी वीडियोज को भी बार बार सुन सकते हैं एंड यू कैन लिसन टू द वे एंड यू कैन मिमिक द वे आई एम टीचिंग। सो व्हाट विल दैट हेल्प यू फॉर, दैट विल हेल्प यू फॉर यू नो बिल्डिंग अप द कॉन्फिडेंस, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में मदद हो जाएगी, बिकॉज आप लोग सुनेंगे बार बार मुझे मिमिक करेंगे एंड यू विल लर्न, ठीक है? सो आपको कॉन्फिडेंट वाइब के लिए पोस्चर किस तरह का होना चाहिए, यू हैव टू कीप योर बैक स्ट्रेट, यू हैव टू हैव एन आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड प्लस आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप स्माइलिंग। You don't need to smile on unnecessary situations, okay? You know that where to smile and where to not, but confidence, right, adds up to your personality. So you have to converse with other people as the less you have to smile on occasions when you feel like, okay? So aap logon ko eye contact rakhna hai, you have to keep your back straight, you don't need to hunch, okay? You don't need to hunch, you have to keep your back straight and you need to converse with the person. You know that will leave an impression that you are confident enough. And I told you कि जब आपको confident होगा ना
कॉन्फिडेंस लुक कर रहा है, कॉन्फिडेंस सामने दिख रहा होगा ना आपके फेस पे, सो पीपल डोंट गिव यू नो जस्ट डोंट बॉदर मच अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग, दे विल कीप एडमायरिंग दैट, दे विल कीप एडमायरिंग द वे यू आर स्पीकिंग. ठीक है, तो ये आपको करना है, यू हैव टू कीप योर पोस्चर स्ट्रेट. अलॉन्ग विद दैट मैं लोगों के लिए सेक्शन में भी आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, लेकिन ये सारी जो टेक्निक्स हैं आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल है कितनी नहीं, ये आप लोगों को मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है, और इन्हीं टेक्निक्स को अपने साथ लेके आपको चलना है और साथ साथ में आपको बोलने की कोशिश जो है वो करते रहना है. तो लोगों के लिए सेक्शन में आज आप लोगों के लिए जो वर्ड्स हैं, द फर्स्ट वर्ड इज डिंजी, बीइंग डिंजी इज बीइंग ग्लूम. ठीक है, बीइंग डिंजी इज बीइंग ग्लूम. ठीक है, so I visited a dingy restaurant yesterday. मैं एक dingy restaurant में कल गई. dingy का एक और मतलब ये भी हो सकता है जो एकदम ना brightened up नहीं, ठीक है, less brightened जो जगह हो ना, less brightened जगह, उसको भी आप बोल सकते हैं dingy. so अगर आपको sentence में use करना है dingy, so you can say that why you are dingy today. ठीक है, why the room looks so dingy, कमरा क्यों इतना अंधेरा लग रहा है. ठीक है, सो यू कैन यूज दीज इन सेंटेंसेस, और आप कमेंट सेक्शन पे सेंटेंस बना के, जो भी आप न्यू वर्ड्स सीखते हैं ना उस पे सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. बीइंग सीरीन, सीरीन का मतलब होता है जब आप काम होते हैं. ठीक है, तो जब आप काम होते हैं, जब आप शांत होते हैं, सो व्हेन यू वांट टू लर्न गुड इंग्लिश यू हैव टू बी सीरीन. ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सब हड़बड़ाना नहीं है. You just have to remember that mistakes don't matter and I am learning to speak good English and I am confident enough. अगला आपके लिए प्रोवर्ब है, taste your own medicine, यानी जैसे को तैसा. ठीक है, जैसा आप किसी के साथ करेंगे आपको वैसा ही वापस मिलेगा. अगर आप किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस, किसी का आपकी वजह से किसी को बैड एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ रहा है, तो आपको भी कभी ना कभी लाइफ में लेटर ऑन बैड एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ेगा. तो टेस्ट योर ओन मेडिसिन को यूज करते हुए, इस प्रोवर्ब को यूज करते हुए आपको कॉमेंट सेक्शन पे एक सेंटेंस जो है वो फ्रेम करके कॉमेंट करना है. सो दैट वॉज यू नो फॉर यू इन द लोगोफिलिया सेक्शन. इन एडिशन टू दैट आई होप जो आज की वीडियो थी वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में बहुत मदद करेगी. यू विल फॉलो दिस स्टेप, यू विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, स्टार्ट रीडिंग अलाउड, यू विल फाइंड अ कॉन्वर्सेशन पार्टनर, यू कैन चैट ओवर द टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर आपको कॉन्वर्सेशन बिल्डअप करनी है. इन लास्ट टाइम भी आप लोग क्या कर रहे थे, यू वर हैविंग कॉन्वर्सेशन लेकिन आप लोग बिल्डअप नहीं कर पा रहे थे. सो एक कॉन्फिडेंट पर्सन का फर्स्ट साइन क्या होता है कि ही और शी बिल्ड्स अप अ कॉन्वर्सेशन. तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो आज आपका टॉपिक रहेगा चैट के लिए, दैट विल बी कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस ही होगा. ठीक है, एंड यू हैव टू इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन. बिलीव मी यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ व्हेन यू स्टार्ट कॉन्वर्सेटिंग. आप एक बार कॉन्वर्सेटिंग शुरू कर देंगे ना, तो आप अपने आप कॉन्फिडेंट जो है वो हो जाएंगे. ठीक है, आई होप दिस वॉज क्लियर एंड आई होप आई एम हेल्पिंग यू टू यू नो इम्प्रूव योर इंग्लिश. सो यू हैव टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन टेलिंग मी दैट मैम the videos are really helpful and if you need some kind of improvisation you can also tell that. ठीक है, आप वो भी बता सकते हैं अगर आपको improvisation चाहिए या कोई technique में आपको problem लग रही है कि मैम आप easy technique ले आइए, तो that I will work on that also. But you have to start speaking. So that is the first step to learn. ठीक है, first step towards success is to start doing. ठीक है, तो आपको बोलना शुरू करना है and follow these all the steps to build up your confidence, because once you are confident enough, your English will improve automatically. Because कुछ लोगों को बोलना तो आता है, ठीक है, लेकिन वो confidently नहीं बोलते. तो इसीलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो आपके लिए ले आई हूँ, जिससे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, टेक्निक्स बताई हैं टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, एंड अलॉन्ग विद बिल्डिंग अप योर कॉन्फिडेंस यू विल बिकम अ गुड स्पीकर आफ्टर बिकमिंग अ गुड लिसनर. सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लिसनिंग टू गुड पॉडकास्ट विच आर इन इंग्लिश, एंड अलॉन्ग विद दैट Start building up the conversations. I hope it helps. Thank you. Keep speaking and keep learning. Thank you.